हेलो दोस्तों, आगे मैं एक नई वीडियो के साथ में। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरह से एप्लीकेशन जो होती हैं सॉफ्टवेयर, उसको बल्क में कैसे आप डिलीट कर सकते हैं एक साथ, मल्टीपल एक क्लिक में मल्टीपल एप्लीकेशन कैसे डिलीट कर सकते हैं। ये वेबसाइट का नाम बल्क क्रैप अनइंस्टॉलर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस तरह की कुछ वेबसाइट है, तो चलिए शुरू करते हैं। डाउनलोड पर पहले क्लिक कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, स्क्रोल डाउन करेंगे, आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन देगा। ये भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यहाँ पर आप क्लिक करोगे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, आप सिलेक्ट कर सकते हो कहाँ इसको आपको सेव करना है। मैं डेस्कटॉप पर सेव करता हूँ इसको, ओके करता हूँ, डाउनलोड स्टार्ट हो गया। वंस डाउनलोड विल बी कंप्लीटेड, इस पर डबल क्लिक करेंगे और उसको ओपन कर लेंगे। इट टेक सम टाइम टू इंस्टॉल, इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर लेंगे एज पर यू। इसमें फुल इंस्टॉलेशन चूज़ कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे। अब देखते तो इंस्टॉल होना शुरू हो गया और कुछ ये ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, कंटिन्यू अप्लाई करके कंटिन्यू करना है। फिर इस तरह का मेन्यू खुलेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे और फिनिश सेटअप करके आप मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो इंटरफेस आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलता है जहाँ पे आपको मल्टीपल एप्लीकेशन, जो भी आपकी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन भी डिलीट कर सकते हो। तो एक ही और फ़ायदा है इस ऐप का कि आप प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को भी डिलीट कर सकते हो। तो देख सकते हो मैंने मल्टीपल एप्लीकेशन यहाँ पर कुछ ऐप मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कैसे डिलीट करना है। देख सकते हो आप, उसकी डिटेल्स भी आ जाएगी, कितना रैम मेमोरी स्टोरेज कितना ले रहा है, सब कुछ आ जाएगा यहाँ पर। इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसको होल्ड करेंगे और ऊपर इंस्टॉल क्वाइटली पे क्लिक करके, अनइंस्टॉल क्वाइटली पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे ऑप्शन। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और कुछ ऑप्शंस हैं जो आप चूज़ कर सकते हो। देख सकते हो कितनी फाइल साइज़ है इसकी और कितना फ्री ऑफ स्पेस होगा, वो भी चेक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन ऐसा आएगा, जैसे कि देख सकते हो आप, पूरा कंप्लीट हो गया प्रोसेस। और ये लास्ट प्रोसेस पूछेगा कि जो एक्स्ट्रा फाइल्स है वो भी डिलीट करनी करनी के लिए, आप डिपेंड्स अपॉन यू कि आप डिलीट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पूरी एक्स्ट्रा फाइल्स भी डिलीट कर दी उसकी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, बहुत आसान प्रोसेस था, मल्टीपल एप्लीकेशंस आप डिलीट कर सकते हो अपने सिस्टम में से, प्री इंस्टॉल ऐप भी डिलीट कर सकते हो अपने सिस्टम से, मल्टीपल एक क्लिक पे मल्टीपल ऐप इंस्टॉल हो जाएगी बिना किसी हैसल के, बहुत आसान सेटअप है। तो बस इतना ही था आज के वीडियो के लिए। कोई भी सवाल इस वीडियो के रिगार्डिंग तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।